हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारा एक नया वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग जो है एक नया वीडियो लेके आ गए हैं और आज का जो वीडियो है ये देख सकते हैं, ये पालक। और इसके पहले आप देख रहे होंगे कि सविता भी जो है पालक तोड़ रही थी और पालक भी अपना ही बाड़ी में था तो तोड़ के लाई है अभी। और आज जो है पालक के पराठा बनाने वाले हैं, तो देखिए किस तरह से पालक के पराठा बनाते हैं। तो भी आप देख सकते हैं सभी भी खेल के आ गया है और ये खेलने के लिए गया था। ऐसे क्रिकेट बहुत पसंद है, इसके लिए क्रिकेट खेल रहा था, पूरा पसीना से परेशान है। अभी जो है हम लोग अभी पालक के पराठा बनाने वाले हैं और देखिए पालक के पराठा कैसे बनाते हैं। देखते हैं किसको जो है काट रहे हैं पहले पालक को, गोली में काट दो। आप चुन दीजिए, मैं काट लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चुन देता हूँ। ये देखिए अभी जो है बारिश की टाइम चल रही है, बारिश के महीना में जो है देखिए पालक कितना खराब हो जाता है। मैं इसको लगता है कीड़ा खा लेता है, इसके लिए टाइम में होता नहीं, बहुत मुश्किल ही होता है। ये देखिए बारीक बारीक काट लिया गया है इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो काट दिया गया है पालक, तो अभी आगे बोलिए क्या करना है। आप लहसुन थोड़ा छील लीजिए, मैं तब तक आटा चाल लेती हूँ। यही लहसुन और मिर्ची जो है लिया है इतना, तो मैं तब तक लहसुन छील लेता हूँ। कुटना है ना? हाँ कुटना है। मिर्ची भी डाल दीजिए थोड़ा। कितना दे दो? एक दो दे दीजिए। देखिए मिर्ची है, हमारे घर में तीखा कम खाते हैं इसके लिए दो या तीन ही मिर्ची डाल रहे हैं। एक कुटनी में डाल दिए हैं और इसको जो है अभी इस तरह से इसको जो है थोड़ दिया जाएगा। सही है ना? हाँ। ये देखिए हो गया। देखिए हाँ हो गया, तो ये हो चुका है। तो अभी इसको दे देंगे इसमें ना। हाँ तो अभी देखिए इसमें जो है अभी कूटा था लहसुन और मिर्ची को डाल दिए हैं, पहले से आटा को मिक्स कर दिया था। आटा और पालक को पहले से मिक्स कर दिया था और अभी जो है मिर्ची को और लहसुन को जो कूटा था मैं वो भी डाल दिया हूँ। और अभी देखिए मसाला भी इसमें डाल रहे हैं, क्या क्या? धनिया पाउडर डाल रहे हैं, धनिया पाउडर है और मिर्ची पाउडर टेस्ट के हिसाब से लिया गया है। और ये हल्दी का पाउडर है, गरम मसाला भी ऑप्शनल है, अगर डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। और ये नमक है, नमक जो है टेस्ट के हिसाब से डाल दिए हैं और सारे मसालों को भी डाल दिए हैं टेस्ट के हिसाब से। इसको जो है पूरी तरह से मिक्स कर देंगे अभी।
उसका खुशबू इतना अच्छा आ रहा है जो बता नहीं सकती मैं। अभी से इतना अच्छा खुशबू आ रहा है तो अभी बनाना तो बाकी है। दोस्तों आटा किस हिसाब से तैयार हुआ है देखिए, देखने में भी इतना खूबसूरत है, पूरा ग्रीन, सारे मसाले और नमक के साथ मिक्स कर दिया गया है इसको। तो अभी देखिए पराठा कैसे बनाते हैं। अभी देखिए चूल्हा भी गर्म नहीं हुआ है, चूल्हा को चालू करना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि चूल्हा जल चुका है और अभी सॉरी की मम्मी जो है पालक की पराठा बेलने वाली है, और थोड़ा समय इनको हेल्प करूँगा, इनको जो है उल्टा दूंगा या तेल उसमें लगा के, ऐसे तो वो खुद अकेले कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा ताकि उनको भी आराम रहे और जल्दी हो जाएगा, सही है ना? हाँ। देखिए कटोरा में जो है तेल ले लिए हैं, अभी मत लगाइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लाइट चला गया है, लेकिन इन्वर्टर वाला लाइट है जो है, अभी इसके भरोसे हैं, अभी इससे काम चल रहा है तो भी काम रुक जाता है हमारा। अच्छा। तो गांव में तो होता ही रहता है हमारे यहाँ पे। गांव में तो नॉर्मल सी बात है, कभी भी लाइट चली जाती है। लाइट आ गया, तो अभी आप देखिए लाइट आ गया, और बाहर से शौरी भी खेल के आ गया है और वो यहाँ पे खड़ा है। ये देखिए पालक का जो पराठा है कितना खूबसूरत दिख रहा है, अभी से खुशबू लगी है इसका, इतना जो है तब तक मैं सेक दिया था, और अभी जो है साड़ी की मम्मी अकेले सेकने वाली है, जो खा रहा है टेस्ट कर लिया है साड़ी ने, तो बोल रहे अच्छा है। देख सकते हैं इस तरह से बना रहे हैं,
ये आखिरी पराठा है हमारा। ये देखिए, ये देख सकते हैं इसे देखने में कितना खूबसूरत है, इतना स्वादिष्ट दिख रहा है देखने में ही। सभी ने पहले खा के बता दिया है कि बहुत अच्छा है। तो इस तरह से जो है पालक का पराठा बनाइए और पूरे फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए घर पे ही, एकदम इजी और सिंपल तरीके से, बिना खाद का है, एकदम ऑर्गेनिक। पावर तो है नहीं जो इतना अच्छा से दिखा सकते थे, लेकिन ये देखिए मोबाइल की लाइट में दिखा रहा हूँ आपको। बन गया, ये देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। और इधर देखिए आग भी बहुत ज़बरदस्त अभी हो चुका है, तो थोड़ा टेस्ट करवाइए मेरे को भी कैसा बना हुआ है। लीजिए, तो बताइए कैसा बना है। अच्छा बना है खाने में, सॉरी तुम भी लोगे। हाँ टेस्टी है, सॉरी को भी खिला देती हूँ। और जैसे सॉरी इधर है, लाइट नहीं है इसके लिए अंधेरा दिख रहा है। सॉरी इधर है, कैसा लग रहा है सॉरी तुमको? अच्छा है। और सॉरी तो पहले भी टेस्ट किया था तो बोल रहा था अच्छा है, तो मैं आपको भी लाइए खिला देता हूँ और आप भी टेस्ट कर लीजिए। और आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा बनेगा। और इसको अगर आप दही के साथ सर्व करें तो और अच्छा होता है, दही के साथ खाने में, और सादा भी सिंपल भी मतलब खा सकते हैं, अच्छा है, लेकिन दही के साथ और अच्छा होता है खाने के लिए। दोस्तों ये था पालक का पराठा जो बनाए थे हम लोग, और आपने देखा कि अपना ही बारी से तोड़ के बनाया गया था, एकदम सिंपल और ईजी और साधारण तरीके से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच और बाय बाय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखिए सॉरी भाई है,